हाय देयर, होप यू आर डूइंग फाइन। वेलकम टू पोएम प्रोज, जहां आज हम विलियम शेक्सपियर के प्ले द टेम्पेस्ट के एक्ट 3 सीन 1 को समझेंगे। इस प्ले की एक जनरल समरी और इससे पहले के सीन्स की समरीज भी मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दूँगी। एक्ट 1 सीन 2 में हमने देखा था कि प्रोस्पेरो कैसा गुस्सा होकर दिखाता है और फर्डिनांड से काम करवाने के लिए कहता है, तो वही चीज़ यहाँ पर कंटिन्यू होती है। और एक्ट 3 सीन 1 में हमें फर्डिनांड काम करते हुए दिखता है और साथ ही मिरांडा के साथ उसकी केमिस्ट्री भी डेवलप होते दिखती है। इस सीन में फर्डिनांड, मिरांडा और प्रोस्पेरो ही केवल मौजूद हैं। तो आइए समझते हैं इस छोटे से पर इम्पॉर्टेंट सीन की समरी, उसके बाद एक क्विक एनालिसिस और थीम्स को। इस सीन की शुरुआत फर्डिनांड से होती है, जो कि मिरांडा के सामने कई सारे लकड़ी के गट्ठर उठाकर इधर उधर ले जा रहा है। वो अपनी मर्जी से ये काम कर रहा है और ये काम करते हुए काफ़ी खुश है। यहाँ पर हमें पिछला सीन जो था, यानी एक्ट 2 का सीन 2, उससे कॉन्ट्रास्ट दिखता है, जहाँ कैलेबान परेशान है काम करते हुए, लकड़ी उठाते हुए, वहीं फर्डिनांड खुश है क्योंकि वो मिरांडा के प्यार में है। मिरांडा फर्डिनांड को इतना काम करते हुए, इतना लेबर करते हुए देखकर काफ़ी परेशान है और रो रही है। इससे ही हमें दिख जाता है कि ये दोनों एक दूसरे की बहुत चिंता करते हैं। इनका जो लव है वो बिल्कुल अट्रैक्शन और बडिंग स्टेज में है, एक दूसरे को ये लोग बहुत पसंद करते हैं। मिरांडा फर्डिनांड से कहती है कि वो 3 घंटे के लिए रेस्ट कर सकता है, क्योंकि प्रोस्पेरो यानी मिरांडा का फादर अभी बिजी है अपनी पढ़ाई में, और प्रोस्पेरो ने ही फर्डिनांड को एक सज़ा के रूप में ये काम दिया होता है। तो मिरांडा कहती है कि तुम 3 घंटे तक आराम कर सकते हो, क्योंकि मेरे पापा यानी प्रोस्पेरो अभी बिजी हैं अपनी पढ़ाई में। और वो ये भी कहती है कि लाओ मैं तुम्हारे लिए ये लॉक्स जो हैं, ये वुड है, इसको उठा देती हूँ। लेकिन फर्डिनांड उसकी हेल्प लेने से बिल्कुल मना कर देता है। दोनों में आपस में बातचीत होती है और इस पॉइंट पर आकर फर्डिनांड मिरांडा से उसका नाम पूछता है, यानी अभी तक उसे मिरांडा का नाम तक नहीं पता था। मिरांडा से प्रोस्पेरो ने कहा है कि तुम अपना नाम नहीं बताओगी उसको, लेकिन मिरांडा उसे इतना पसंद करने लगी है कि वो अपना नाम बता देती है। फर्डिनांड मिरांडा से कहता है कि अभी तक अपनी ज़िंदगी में उसने कई एक औरतों को देखा है और सभी एक से एक खूबसूरत थीं, लेकिन उनमें कोई ना कोई डिफेक्ट उसे अब समझ आ रहा है एज़ कम्पेयर टू मिरांडा। मिरांडा के आगे वो सभी औरतें अब उसे फीकी लग रही हैं। मिरांडा कहती है कि उसने तो बस एक औरत को अपनी ज़िंदगी में देखा है, वो है शीशे में उसका खुद का रिफ्लेक्शन। तो वो एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती कि वो कितनी सुंदर है, लेकिन फर्डिनांड से अच्छा कंपेनियन, साथी उसके लिए नहीं हो सकता, वो अब ये जान चुकी है। प्रोस्पेरो ये सब सीक्रेटली कहीं ना कहीं सुन रहा है और अंदर ही अंदर इस रिश्ते को, उनके प्यार को दुआएं दे रहा है, यानी वो खुश है। बस उसका जो गुस्सा है वो फर्डिनांड का टेस्ट लेने के लिए है और इन दोनों के जो अट्रैक्शन का, प्यार का टेस्ट लेने के लिए है। और यहाँ पर हम ये भी गौर कर सकते हैं कि वो जानबूझकर मिरांडा से कहता है कि अपना नाम मत बताना, ताकि ये चीज़ समझ आ पाए कि मिरांडा का अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग है कि वो अपने फादर को, क्योंकि फादर को ही बस उसने ज़िंदगी भर जाना है, उनके भी कमांड को तोड़ देती है फर्डिनांड को अपना नाम बताने के लिए। प्रोस्पेरो ने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हो रहा है। मिरांडा फर्डिनांड को शादी के लिए प्रपोज करती है और फर्डिनांड ऑब्वियसली एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों सीन से बाहर चले जाते हैं। प्रोस्पेरो अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशी जताता है मिरांडा और फर्डिनांड को लेकर, और फिर से अपनी किताबों में लग जाता है, जो उसकी मैजिक की किताबें हैं, अपनी स्टडीज़ में लग जाता है, क्योंकि उसे डिनर टाइम पे कोई टास्क परफॉर्म करना है। अब वो टास्क क्या है वो प्ले में हमें आगे पता चलेगा। इस सीन का क्विक एनालिसिस कर लेते हैं। सीन में इस प्ले के सबसे मासूम, इनोसेंट कैरेक्टर्स का बडिंग लव, यानी शुरुआती लव दिखाया गया है, जो कि बहुत मासूम है, बिना किसी मोटिवेशन के है, बस यूं ही है। लव एक मैटर है लक का। अगर फर्डिनांड टेम्पेस्ट के थ्रू आइलैंड पे कभी आया ही नहीं होता, तो मिरांडा उसके प्यार में कभी नहीं पड़ती।
लेकिन क्योंकि प्रोस्पेरो को अपना पुराना हिसाब चुकता करना है और इस वजह से वो टेम्पेस्ट लाता है, उसी से फर्डिनांड और मिरांडा के बीच ये प्यार शुरू होता है। तो प्यार लक का भी मैटर हो जाता है और कभी कभार उसे अरेंज भी कर सकते हैं हम एक प्लान के थ्रू। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो प्लानिंग ही लक है और लक ही प्लानिंग है। प्रोस्पेरो के खुद के मोटिव्स जो हैं वो दिखना शुरू होते हैं क्योंकि वो खुश है उन दोनों के अफेयर से। ये कह सकते हैं कि प्रोस्पेरो ने ही ये लव प्लान किया है, पर ये भी तो कह सकते हैं कि खुद जो विधि है या फिर किस्मत है उसने प्रोस्पेरो से इन दोनों के लव को प्लान करवाया है। तो डेस्टिनी बड़ी है या प्रोस्पेरो के मोटिव, ये क्वेश्चन खड़ा होता है। यहाँ पर फोर शेडोइंग भी है। फोर शेडोइंग मतलब आने वाले जो इवेंट्स हैं उसके पहले के जो एक तरीके से निशान यहाँ पर दिखते हैं, क्योंकि प्रोस्पेरो कहता है कि अब मैं पढ़ाई कर लूँ क्योंकि मुझे डिनर पर कुछ करना है। अब क्या करना है उसके लिए हम उत्सुक हो जाते हैं। इस सीन के थीम्स के बारे में बात करें तो पहला है लव और यूथ, यानी जो प्यार है और यंग लोगों का जो प्यार होता है, बिल्कुल जो एक टीनेज लव है फर्डिनांड और मिरांडा का, वो कितना इनोसेंट है। और इस प्ले में जहाँ पावर पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा फैली हुई है, रीडर्स को या फिर व्यूअर्स को इस प्ले के एक रिडेम्पशन देता है, एक अच्छी फीलिंग भी देता है। जो लव है मिरांडा और फर्डिनांड का, वो इस प्ले के कैरेक्टर्स के लिए भी, इस प्ले के प्लॉट के लिए भी और जो ऑडियंस है दोनों के लिए ही स्ट्रेंथ और रिडेम्पशन का काम करता है, कि हमको भी एक तरीके का साहस देता है कि प्ले में कुछ अच्छा होगा। और रिडेम्पशन यानी जो चीज़ें हुई हैं गड़बड़ पास्ट में प्रोस्पेरो के साथ, प्रोस्पेरो जो अभी कर रहा है उसको एक सही दिशा में ले जाने की उम्मीद भी हमको दिखती है, एक होप दिखती है। लव या मैजिक, इस प्ले में मैजिक बहुत बड़ा एलिमेंट है और लव को भी एक तरीके का जादू, एक स्पेल कहा जाता है। तो ज़्यादा ताकतवर जादू क्या है, खुद मैजिक या फिर लव? तो ये था विलियम शेक्सपियर के प्ले द टेम्पेस्ट के एक्ट 3 सीन 1 की समरी, एनालिसिस और थीम्स पर डिस्कशन। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पोएम प्रोज को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप मंडे टू फ्राइडे आने वाली लिटरेरी या और लिटरेचर से जुड़ी हुई अपडेट से टच में रहें। कमेंट करके बता सकते हैं कि आप आगे कौन से टॉपिक्स पर इस चैनल पर वीडियोस देखना चाहते हैं। फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योरसेल्फ।